संक्रमितों की संख्या में उछाल से सकते में प्रशासन। किश्तवाड़ में संक्रमितों की संख्या 3 दिनों में हुई दुगनी। दो जगह टोल देने के बावजूद नहीं सुधर रही जम्मू पठानकोट हाईवे की हालत। हटली मोड़ में सड़क पर एक नाले में नहीं ढक पाई नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बारिश में फिर खाया एक ट्रक चालक ने गच्चा। देखते ही देखते घर में जा घुसा तेज रफ्तार टिप्पर, बाल बाल बचे घर के लोग, चालक की हुई दर्दनाक मौत। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। किश्तवाड़ जिले में कोरोना संक्रमितों में एकदम से उछाल आने से स्थानीय प्रशासन सख्ते में आ गया है। किश्तवाड़ में 3 दिनों में ही कोरोना संक्रमितों की संख्या व पॉजिटिविटी रेट भी दुगना हो गया है। किश्तवाड़ के एक बाल आश्रम में करीब 15 बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। किश्तवाड़ के डीसी ने इन आंकड़ों का खुलासा करते हुए बताया कि विशेषज्ञों के तीसरी लहर के दावे सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं। लोग अगर अब भी ना संभले तो अक्टूबर माह में उन्हें तीसरी लहर से जूझना पड़ सकता है। में इसी दौरान हमारे पास 22 केसेस पॉजिटिव थे और इस हफ्ते में हमारे पास 44 पॉजिटिव केसेस है। ये मोस्टली क्रेडिट 3 दिन को जाता है, 2 दिन लगातार जो है फर्स्ट एंड सेकंड डे ऑफ द वीक जो कल खत्म हुआ है उसमें हमारे 10-10 केस पॉजिटिव आए थे और कल की डेट में इन परसों रात को लेट आवर्स में हमारे पास 17 केसेस पॉजिटिव आए। तो ये 3 दिन की फिगर जो है मेजरली एट्रीब्यूट करती है आपके 244 केसेस इस वीक में आए। यहाँ तक पॉजिटिविटी रेट की बात करें, लास्ट वीक में पॉजिटिविटी रेट जो था हमारा 0.33 था, जो इस वीक में बढ़ के 0.66 एग्जैक्टली डबल। इसका मतलब ये है कि हम टेस्ट जो है ऑलमोस्ट उसी पेस पे कर रहे हैं लेकिन हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ने से ये जो पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है जो एक चिंता का विषय है। एक्सपर्ट्स ये बिलीव कर रहे हैं कि अगर हमने अपने आप को बचाया नहीं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं किया तो थर्ड वेव जो है वो आ सकती है और उसकी पीक कहीं अक्टूबर में हो सकती है। तो आज की डेट में हमारे पास 70 से 75 डेज हैं जिसमें हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे खास ध्यान देना है और साथ साथ जो वैक्सीनेशन है उस पे मेजर स्ट्रेस करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम होते ही अब तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडराने के बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी लहर में हुई तबाही ज्यादातर लोगों के लिए अब इतिहास बन चुकी है और यही वजह है कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा बार बार मिन्नतें करने के बावजूद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही कई लोगों के खिलाफ आज डोडा प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए उन्हें करारा सबक सिखाया। डोडा म्यूनिसिपल कमेटी की एक टीम ने आज बाजारों में ऐसे लोगों के ताबड़तोड़ चालान भी काटे। इस मुहिम के दौरान सार्वजनिक वाहनों में सवार लोगों के अलावा दुकानदारों और राहगीरों को भी नहीं बख्शा गया। आपको बता दें कि टोडा में शुक्रवार को कोरोना संक्रमितों के 10 मामले सामने आए थे और इनमें से कोई भी ट्रैवलर नहीं था। जिले में अभी भी 80 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित है और इसके बावजूद लोग एहतियात बरतने में शर्म महसूस कर रहे हैं। कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कोविड के केसेस फिर से राइज हो रहे हैं, तो हमारा मेन एम ये है इनको इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग हम अवेयरनेस ड्रम बीटिंग्स अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, हमारी टीम कंटिन्यूस मार्केट सर्वे कर रही है, जो वायलेटर्स हैं उनको फाइन किया जा रहा है। आज ही हमारी टीम ने अभी भी सर्वे प्रोसेस चल रही है, कोई 4500 रुपये अभी तक फाइन कर दिया है, ठीक है। बट हमारा कोई मकसद फाइन करना नहीं है, हमारा मकसद है अवेयरनेस क्रिएट करना। लोगों को जितना ज्यादा अवेयर करेंगे इस चीज के लिए उतना ही जल्दी ये बीमारी इनिशियल स्टेज पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए वार्ड नंबर 12-13 और आईडिया के पास ये एरियाज माइक्रो कंटेनमेंट जोन हो गए। लोगों से तभी हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपना ख्याल रखें, कंटेनमेंट एरिया से दूर रहें, वहां विजिट ना करें, मास्क पहने,
दूरी बना के रखें। गवर्नमेंट जो भी अगर कोई सख्ती भी कर रही है वो लोगों की भलाई के लिए ही कर रही है। अगर हम कोई सख्ती कर रहे हैं हम अपने लिए नहीं, हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। पठानकोट हाईवे के रखरखाव के लिए जिम्मेदार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी जिम्मेदारी किस हद तक निभा रहा है, इसका जीता जागता सबूत एक बार फिर देखने को मिला है। लखनपुर से लेकर जम्मू तक वाहन चालकों को भले ही दो जगहों पर टोल टैक्स चुकाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद हाईवे का रखरखाव ना होने से वाहन चालकों की जानें सूली पर अटकी हुई हैं। खासतौर पर कठुआ के हटली मोड़ इलाके में सड़क पर एक खुला नाला हादसे को न्योता दे रहा है, जिसकी मरम्मत ना होने से बीती देर रात एक बार फिर से एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। बारिश की वजह से वैसे भी हटली मोड़ इलाके की गाड़ी लेकर गुजरना खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि पानी की निकासी का कोई इंतजाम ना होने से हाईवे वैसे भी झील में तब्दील हो जाता है। बीती रात हुई बारिश की वजह से हटली मोड़ पहुंचने पर एक ट्रक चालक गच्चा खा गया और ट्रक इस नाले में गिरकर पलट गया। ट्रक में सवार दो लोगों की जान पर बनाई थी, लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों ने अपनी जान की परवाह करते हुए दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। और पिछले दिनों की बारिश की वजह से रात के समय एक ट्रक देखते ही देखते इस नाले में गिरकर पलट गया था, और गनीमत ये रही थी कि उस हादसे में भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाहन चालकों की जान की दुश्मन बनी हुई है, जो इस नाले की मरम्मत के लिए संजीदगी नहीं दिखा रही है। स्थानीय प्रशासन भी किसी बड़े हादसे के इंतजार में लंबी ताने सोया हुआ है। ये जो यहाँ पे बेसिकली जो नाला है, ठीक है, उसको बंद करवाया जाए, उसके ऊपर उसको किस तरीके से बंद किया, सिर्फ ये है कि उसकी ऊपर वाली जो प्लेट्स है वो निकली हुई है, वो क्या रीज़न रहा है हमें नहीं मालूम। रोड काफ़ी शानदार है, बट अगर थोड़ा सा भी एक चूक रह गई है जो कि एक हादसे में कन्वर्ट हो सकती है, तो हम अब क्या ही बोले। मतलब ये तो देखो ना, ऊपर की जो लेयर वो हमेशा ओपन रहती है, जिसकी वजह से गाड़ी वाले को पता नहीं चलता पानी में, तो वो उसमें जैसे टायर जाता तो काफ़ी डीप है, तो ऑब्वियसली ट्रक ने या गाड़ी ने पलटना ही है। तो अब छोटा सा काम है सर, हर बार आपके माध्यम से बता रहे हैं, फ़ायदा कोई हो नहीं रहा, तो रिक्वेस्ट यही है कि इसको थोड़ा सीरियस नोट पर लिया जाए और इसको फटाफट जितना हो। हीरानगर के कोट पुन्नू इलाके में मुख्य मार्ग पर दौड़ने वाले तेज रफ्तार टिप्पर लोगों के लिए आफत साबित हो रहे हैं। बीती रात भी एक तेज रफ्तार टिप्पर चालक द्वारा नियंत्रण खो जा देने से सड़क किनारे बने एक मकान में जा घुसा, जिससे कि भारी तबाही हुई है। इस मकान का एक हिस्सा देखते ही देखते भरभराकर ताश के पत्तों की तरह ढह गया, और स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचाए जाने पर चालक ने जख्मों के ताव ना सहते हुए दम तोड़ दिया। आग बबूला हुए लोगों ने आज सुबह सड़क पर धरना प्रदर्शन कर ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग करने के साथ साथ ये चेतावनी भी दी है कि जब तक टिप्परों और डंपरों के चालकों पर नकेल नहीं कसी जाती है, तब तक वो इन्हें यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। एसएसपी साहब यहाँ पे आए थे, तो एसएसपी साहब के आने पे भी हमारा जो मुख्य एजेंडा था वो एजेंडा यही था कि सर इन टिप्पर्स के ऊपर, इन डंपर्स के ऊपर रोकथाम लगाई जाए, ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट किया जाए, क्योंकि कार्रवाई करो, अगर आप लोगों ने कार्रवाई नहीं करनी है तो ये ना ये डंपर चलने देंगे, ना ये टिप्पर यहाँ से क्रॉस होने देंगे। आज का जो मुद्दा है वो इसीलिए है, जब तक ये लोग इस मकान की कंपनसेशन की बात हमारे साथ नहीं करते, तब तक ना हम ये टिप्पर यहाँ से जाने देंगे, ना किसी डिपार्टमेंट को यहाँ इंटरफेयर करने। पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण गरीबों के आशियानों को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन द्वारा मुहैया करवाई जा रही राहत राशि ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। प्रशासन रेड क्रॉस जम्मू के जरिए प्रभावित हुए मात्र 10,000 रुपए की राशि मुहैया करवाई जा रही है, जिससे उजड़े आशियानों का निर्माण करना तो दूर, घर चलाने के लिए जरूरी सामान खरीदना भी मुहाल हो रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र प्रगवाल में भी भारी बारिश से स्थानीय निवासी जोगेंद्र कुमार का मकान क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ उसके सामान को भी नुकसान पहुंचा था, और आज तहसीलदार संसार सिंह ने उसे रेड क्रॉस की तरफ से 10,000 रुपए की राहत मुहैया करवाई, जिससे जोगेंद्र कुमार काफी आहत हुए। खुशी के बजाय उनकी आंखों में आंसुओं की धारा फूट पड़ी और उन्होंने प्रशासन से बड़ी मदद की मांग की ताकि वे अपनी छत डलवा सके।
सर थोड़े दिन पहले ये शरीर बारिश बारान की वजह से इनका मकान गिरा हुआ था परगवाल में, तो इनको हमने आश्वासन दिया था कि 10,000 रुपया हम रेड क्रॉस की तरफ से देंगे, तो आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने 10,000 रुपया इनको सबके सामने दिया है। राशन की तरफ से 10,000 रुपया दिया, इससे क्या बनेगा? मेरा पूरा मकान टूट गया है, पूरा सामान टूट गया है, इससे 10,000 से क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले कि ताकि मैं अपना घर दोबारा से तैयार कर सकूँ, जो टूटा हुआ सामान है खरीद सकूँ दोबारा। जम्मू के विवेकानंद चौक में स्थित शिव मंदिर की देखरेख का जिम्मा महादेव युवा मंडली ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। इस मंदिर की जमीन को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था, जो अब शांत होता दिखाई दे रहा है। जम्मू के तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने आज महादेव युवा मंडली ट्रस्ट को इस संबंध में औपचारिक आदेश देकर ये अहम जिम्मेदारी इसके हवाले कर दी। भविष्य में इस मंदिर में जो भी निर्माण कार्य होगा उसे तहसीलदार की देखरेख में करवाया जाएगा। स्थानीय पार्षद ऋतु चौधरी ने ट्रस्ट को ये जिम्मेदारी मिलने पर प्रशासन का आभार भी जताया है। और वो पैसा वासियों को और अपनी मंडली की टीम को, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके आज इस मंदिर को तहसीलदार और नायब तहसीलदार और मैं कमिश्नर मैम का भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, ये लड़ाई लड़के आज हमारी मंडली को मैं बहुत बहुत आपके माध्यम से मुबारकबाद देती हूँ और पूरे मोहल्ले वासियों को मुबारकबाद देती हूँ। आज जो ट्रस्ट हमारा महादेव युवा मंडली का ट्रस्ट जो तैयार किया गया था, कोर्ट से रजिस्टर करवाया गया था, आज उनको जो मंदिर की देखरेख जो है वो उनको सौंपी गई है। आगे कार्य जितने भी होंगे ये मंडली जो है ये अपने हिसाब से स्टार्ट करेगी और हमारी लड़ाई जो है ये बहुत सालों से लड़ती आ रही थी, आज वो हम सब जो है वो सफल हुए हैं। नायब तहसीलदार जो है वो आज हमारी मंडली को एक हैंडओवर किया है इन्होंने ट्रस्ट, ताकि हम मंदिर के काम जो है वो उसको जल्द से जल्द स्टार्ट करवा सके। पुंछ के लोगों को राहत पहुंचाते हुए जामिया जिया उल उलूम ट्रस्ट द्वारा एक मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई। 2 दिनों के इस मेडिकल कैंप का उद्घाटन आज जिले के डीसी इंद्रजीत ने किया है और जिसमें श्रीनगर के शिफा मेडिकल कॉलेज का स्टाफ लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सुझाव भी दे रहा है। इस कैंप का फायदा पुंछ कस्बे के लोगों के साथ साथ आसपास के इलाकों के लोग भी उठा रहे हैं। इस इंस्टीट्यूशन का कि उन्होंने मुझे जहां आप सभी लोगों से मिलने का मौका फराहम किया, चाहे उस बहाने ही सही कि इन्होंने एक एम्बुलेंस सर्विस जो है वो सोसाइटी को डेडिकेट की है और साथ में एक यहां मेडिकल कैंप का इनॉग्रेशन हुआ है, तो उसके लिए जिला पुंछ की तमाम जो लोग हैं पुंछ की तरफ से मैं ही आपका शुक्रगुजार हूँ, सफा हॉस्पिटल का और डायरेक्टर साहब का, कि आपने जिला पुंछ को जो है वो तरजीह देकर जहाँ एक मेडिकल कैंप का जो है वो शुरुआत की है और यकीनन इस मेडिकल कैंप से बहुत से लोगों को फायदा होगा। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश की मांग जोर पकड़ती जा रही है। आज जोड़िया में विभिन्न संगठनों ने महाराजा हरि सिंह कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन से 23 सितंबर को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की। जम्मू किट्ठा हुआ आवाज चुका है और शांति पूर्वक तरीके से चुका है, मैं फिर भी महाराजा हरि सिंह उनकी छुट्टी जी नहीं दी जा रही है। मैं एल जी साहब कन्नै गुजारिश करगा कि यह कोई जम्मू के लोगों का मुद्दा नहीं रहता है, इसी सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी मोहर लाई दी है, बिल पास करी है और लिहाजा ये सरकार की जिम्मेवारी है, एल जी साहब की जिम्मेवारी है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की जाए। रामबन में पुलिस द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठी चार्ज और उन्हें गिरफ्तार करने का मामला सुलझने के बजाय अब उलझता जा रहा है।
जम्मू में भी परिषद के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार से शुरू किए गए प्रदर्शनों का सिलसिला आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें जबरदस्त बवाल देखने को मिला। छात्रों ने जम्मू के डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और इनमें से कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ छात्रों की जोरदार धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद छात्रों ने सड़क मार्ग जाम कर दिया। इन लोगों ने मांग की है कि जब तक रामबन पुलिस के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कंट्री यहाँ पे हम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे एसएसपी रामबन, डीसी रामबन और एसएचओ रामबन जैसा वहाँ पे अपनी हरकतें दिखाई हैं उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट डिपकॉम ऑफिस के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रखा गया है और हम ये चाहते हैं कि उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। अगर एक आम इंसान भी कोई गलत काम करता है तो उस पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होती है, तो क्यों ना एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों पर भी की जाए, जबकि उन्होंने अनडेमोक्रेटिकली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चों उनको वहाँ से मारा गया, उठाया गया गलत तरीके से। रामबन के कहर से बाहर निकला ही नहीं था, मगर इन्होंने रात को इतनी गंदी घटना की, इन्होंने हमारे स्थानीय समाज के जो लोग एडीवीपी के कार्यकर्ता थे उनके साथ साथ लाठीचार्ज किया, लहूलुहान किया, रक्त बहा दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे कौन से लॉ में लिखा है कि विद्यार्थियों को रात भर जेल में रखा जाए, छात्राओं को रात भर जेल में रखा जाए, कौन से लॉ में लिखा है? मैं बता देना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन को आपके माध्यम से कि जम्मू कश्मीर की बेटियां कोई किसी से कम नहीं है, हम फूल भी हैं और चिंगारी भी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी की गई कोविड एसओपी के चलते जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने के आज हुए चुनावों के नतीजे कल यानी रविवार को घोषित किए जाएंगे। रविवार दोपहर 12 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू की जाएगी और शाम ढलने तक विजेता सामने आ जाएंगे। इससे पहले एसोसिएशन के चुनावों के नतीजे उसी दिन घोषित कर दिए जाते थे और देर रात तक हाईकोर्ट परिसर में गहमा गहमी जारी रहती थी। अब चूंकि रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है, यही वजह है कि वोटों की गिनती रविवार दिन को करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 3 साल बाद हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के प्रकोप की वजह से ये प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई थी। अब चूंकि कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक शांत हो चुकी है, यही वजह है कि चुनाव करवाने का फैसला लिया गया। इन चुनावों में प्रधान समेत अन्य पदों के लिए कुल 15 उम्मीदवार मैदान में आए, जिनके भाग्य का फैसला 1500 से अधिक वकीलों के हाथ में है। जो एसओपीज इशू हुई है कोरोना की वजह से, उस वजह तक 10 बजे तक जो है हमें अलाउड है, उसके बाद नाइट कर्फ्यू लग जाता है और जहां अगर काउंटिंग करनी हो तो हमारा टाइम कम से कम भी 12-1 बज जाता है। तो उस एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए हमने पहले ही ये फैसला किया है कि काउंटिंग जो है नेक्स्ट डे होगी, फर्स्ट सेम डेट काउंटिंग नहीं होगी। और उसका एक और रीज़न है, पहले जो इलेक्शन होती थी रात को जो काउंटिंग होती थी उसमें बड़ी डिफ़िकल्टी आती थी, कुछ आउटसाइडर आ जाते थे जो हल्ला गुल्ला दंगा करते थे। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस बार जनरल हाउस ने जो फैसला किया था और इलेक्शन कमेटी ने जो फैसला किया था, इलेक्शन नोटिस में जो डिक्लेयर किया था कि काउंटिंग जो है नेक्स्ट डे होगी, सेम डे नहीं होगी, तो उसी को देखते हुए काउंटिंग हम जो है वोट्स की वो कल 12 बजे के बाद करें। हमारे पास यहाँ 4 बूथ हैं, 4 बूथ में एक एक्सक्लूसिव बूथ जो रखा है वो सिर्फ लेडी लायर्स के लिए रखा है और 3 बूथ में हमने 500-500 के हिसाब से वोटर्स को किया और डिवाइड किया हुआ है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र भवन में तैनात पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी होने के कई मामलों को सुलझाते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है। इस चोर से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चोरी के 42 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 4.25 लाख रुपए की बताई जा रही है। चोर की पहचान करण शर्मा निवासी कटरा के रूप में की गई है। ये अर्धकुंवारी से लेकर पवित्र भवन तक मौका मिलते ही श्रद्धालुओं को अपना निशाना बनाता था। मोबाइल के थेफ्ट जो अर्धकुंवारी और आपके भवन में हुए हैं उसके कंसर्न है, हमारे SDPO साहब और SHO भवन ने एक बड़ी अच्छा प्रोफेशनल वे से 42 चोरी के मोबाइल रिकवर किए हैं जिनकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 4,12,000 है। एक लड़का करण अलियास कन्नू को पकड़ा गया एक बाथिंग गार्ड में उससे मोबाइल के सिलसिले में, उसके उपलक्ष में जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उससे कोई 42 मोबाइल जो अलग अलग
प्रांतों से लोग आए हैं या लोकल लोग हैं जो वहाँ जाते थे, कहीं बाय चांस वो कहीं बादिंग गार्ड में रखे तो वहाँ से वो चोरी करके, तो रखता था 42 मोबाइल हमने रिकवर किए हैं जिनपे अप्रॉक्सीमेटली कास्ट कुछ 4.25 लाख है। माना जा सकता है कि ये मुख्य अभियुक्त जो आप कह रहे हैं, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। फिलहाल हमें 42 जितने भी मोबाइल उससे थे हमने रिकवर कर लिए हैं। आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई ऐसा आएगा तो उसको भी हम पकड़ेंगे। देखिए कुछ तो वहाँ मौके का फायदा उठाते हैं और कुछ यात्री के रूप में भी कोई ना कोई कहीं से आके वो भी करते हैं। तो आज हमारा जो मेन मकसद है पिछले 15 दिनों का, क्योंकि चोरियाँ काफ़ी रिपोर्ट हो रही थी भवन आपके बाणगंगा में, तो एक हमारा फोकस था इस पे कि हम इस चोरियों को पकड़ें। हमने अपनी पुलिस वाले सिविल में भी रखे, पुलिस वाले नज़र भी रखे, क्योंकि पुलिस वाले को देखे तो कोई चोर आएगा नहीं चोरी करने। तो हमने क्या किया कि जनरल जो भी हमारे जहाँ पे यात्री हमारे इकट्ठे होते हैं या बाथिंग गार्ड है वहाँ सिविल पे लोग रखे, तो उसी उपलक्ष्य में एक चोर पकड़ा गया जिस एस्पेक्ट से। पति पत्नी में हुए विवाद में एक घर को उजाड़ कर रख दिया है। पति पर पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद हुए उसे फंदे से लटकाकर जान से मारने का आरोप लगा दिया गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला आरएसपुरा के दबलहड़ गांव का है, जहां आज 36 साल की शांति देवी नाम की महिला अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलती हुई मिली। मृतक महिला की बेटी की माने तो शुक्रवार रात को उसके माता पिता में झगड़ा हुआ था और उसके बाद पिता लब्बा राम ने शांति देवी के साथ मारपीट भी की थी। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मैंने मम्मा को मारा था, उसके बाद जब हम सारे सो गए थे उसके बाद पापा ने मम्मा को पंखे के साथ लटका के मार डाला, और उससे पहले भी कई बार पापा ने मम्मा को मारा था और पापा का चाची के साथ अफेयर भी था। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर जम्मू में आज तवी रिवर फ्रंट पर पतंगबाजी उत्सव का आयोजन किया गया। जम्मू में 6 सालों के बाद हुए पतंगबाजी उत्सव का उद्घाटन जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने किया है और वहां वही पर पतंग उड़ाकर पेच लड़ाने पर अपने आप को नहीं रोक पाए और उन्होंने बताया कि त्योहार और मेलों के आयोजन को लेकर प्रशासन ने पर्यटन विभाग के साथ मिलकर विशेष रणनीति बनाई है और आने वाले त्योहार भी इसी रणनीति के आधार पर मनाए जाएंगे। उन्होंने ऐसे आयोजन में भाग लेने वाले लोगों से कोरोना SOP का पालन करने की भी बात कही है। डायरेक्टरेट टूरिज्म जम्मू विवेकानंद राय सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य शहरी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इस उत्सव में सिक्योर 16 कंटेस्टेंट्स भी मोहित शर्मा और जबकि 16 से ऊपर आयु वर्ग में मोहित शर्मा विजेता रहे। आपको बता दें कि इससे पूर्व 2015 में जम्मू में पतंगबाजी उत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें जम्मू के लोगों ने अपना हुनर दिखाया था। ये देखिए बिल्कुल एक अक्टूबर एंड ऑनवर्ड जो मुझे लग रहा है कि हम लोग ये 3-4 महीने में काफ़ी कल्चरल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है। उसके तहत सभी जिला प्रशासन जो हमारे 10 जिले के हैं उन्होंने भी अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान्स बनाए हैं और साथ ही में टूरिज्म महकमा भी आइडेंटिफाई कर रहा है जो टूरिज्म सर्किट्स हैं। तो ऐसे इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, चाहे वो हमारे लोकल फेस्टिवल्स हैं, हमारी लोकल कहीं पर यात्राएं हैं या हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं। तो 3-4 महीने आप देखेंगे आने वाले समय में फोकस रहेगा, एक पूरा उसका एक प्लान बनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ इसमें हमें कॉशियस भी रहने की ज़रूरत है कोविड सिचुएशन को लेकर। जो भी हम लोग ये इवेंट्स करें और उसमें जो अपने स्तर पर भी जो टूरिस्ट कहीं पर जा रहे हैं टूरिस्ट साइट्स पर, तो कृपया ये कोविड के नॉर्म्स का ख्याल ज़रूर रखें। अभी भी हमारी जो 25 की सीमा है वो अभी भी बरकरार है और ये देखने में आ रहा है कि जहाँ जहाँ पर कॉन्ग्रीगेशंस विदाउट SOP हो रही हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। तो उसका ख्याल रखते हुए मैं समझता हूँ अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे तो आने वाले समय में आप देखेंगे 3-4 महीने के अगले इस दौर में काफ़ी इवेंट्स मैं समझता हूँ वो एनविल पर हैं और उसको एक जब पूरा अमली जामा बनाया जाता है पूरे इस प्लान को। तो जो जम्मू शहर का कल्चर है रक्षाबंधन के आसपास से लेकर जन्माष्टमी तक पतंगों को उड़ाने का, वो बना रहे और आगे बढ़ता रहे
आप देख रहे होंगे कि इसमें काफ़ी बच्चे और नागरिक काफ़ी इसमें शामिल हो रहे हैं और इस तरीके के इवेंट हम आगे भी करते रहेंगे जम्मू शहर के लिए और जम्मू प्रोविंस के लिए भी, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होंगे और जिससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और लोकल कल्चर और भी एम्पावर्ड होगा। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।